चुनाव जीतने के बाद जहां नेता अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुनते और काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन बिहार के नेता पप्पू यादव चुनाव जीतते ही उन पर दबंगई वाले आरोप लगने लगे हैं। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही उन पर रंगदारी का आरोप लगा है और केस भी दर्ज हो गया है। पूर्णिया के ही फर्नीचर व्यवसायी से पप्पू यादव पर पूरे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। इस बारे में केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर फोन पर रंगदारी मांगने के आरोप में मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक 4 जून को फर्नीचर व्यवसायी के मोबाइल फोन पर पप्पू यादव के करीबी अमित यादव ने धमकी दी कि 5 साल पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपए नहीं देने पर पूर्णिया छोड़ जाने की धमकी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में थाने में 10 जून को FIR दर्ज कराई गई। रंगदारी मांगने के मामले में एक फर्नीचर व्यवसायी ने थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के खास अमित यादव ने फ़ोन किया था। 5 अप्रैल को मोबाइल फ़ोन पर 10 से 15 कॉल करके पप्पू यादव के आवास अर्जुन भवन पर बुलाया गया और इसके साथ ही 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। फर्नीचर व्यवसायी ने कहा कि बीते 4 जून को मोबाइल फ़ोन पर अमित यादव की फिर धमकी आई। उन्होंने कहा कि 5 साल पूर्णिया में ही रहना है और 1 करोड़ रुपया नहीं देने पर पूर्णिया छोड़कर जाने के साथ जान से मारने की उसने धमकी दी। तो वहीं शिकायत में पता चला कि व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि उससे पहले भी रंगदारी की मांग की जा चुकी है। आवेदन में कहा कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया कि साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपए और 2 सोफा सेट मांगने के साथ साथ धमकी और गाली गलौज भी की गई थी। ये सारा मामला सामने आने के बाद फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत के आधार पर पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में पप्पू यादव और अमित यादव के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, अब पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल भी कर रही है। तो वहीं इस मामले को पप्पू यादव ने एक साजिश करार दिया है। पप्पू यादव की ओर से कहा गया है कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। बहरहाल अब पप्पू यादव इसे एक साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं व्यवसायी जो कि रंगदारी के आरोप लगा रहे हैं, और अब देखना होगा कि आखिर पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।